हे गाइस, टेक्निकल वेंशन के इस नए सफर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेडमी ला रहा है अपना सबसे यूनिक और डिफरेंट टाइप का स्मार्टफोन, जो कि दिखने में काफी अच्छा लगता है। इस फोन का नाम है रेडमी नोट 14 प्रो मैक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। इस फोन में आता है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी, 1TB ROM, स्नैपड्रैगन 8 Gen का प्रोसेसर जो कि पावरफुल है। इसमें आप गेमिंग वगैरह अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप पुराने फोन से नए फोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं या आप रेडमी का अपकमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं बजट कैटेगरी में, तो इस फोन को देख सकते हैं कब तक और कितने प्राइस में आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन की। ये फोन आता है फ्लैट और कर्व बॉडी शेप के साथ। इसमें आपको फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 6 की कोटिंग मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड पर आपको 200 MP का कैमरा मिलता है। इससे आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही में 3x ऑप्टिकल जूम और OIS जैसे फीचर मिलते हैं, जिसकी मदद से आप अल्ट्रा स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। साथ ही में आपको डुअल मोड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि व्लॉगिंग के लिए खास फीचर है। AI कलर पोर्ट्रेट वीडियो, मेजिक जूम, HDR, डिजिटल जूम, पेनोरामा जैसे फीचर मिलते हैं, जो कि इस फोन को और भी एडवांस बनाते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें, 32 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिलता है, जो कि शेक फ्री वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज की। 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM का ऑप्शन मिलता है और UFS 3.0 का सपोर्ट मिलता है। 6GB RAM के साथ 128GB कॉम्बिनेशन, 8GB के साथ 256GB का कॉम्बिनेशन, 12GB के साथ 512GB का ऑप्शन और 1TB का हायर वेरियंट भी मिलता है। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो स्नैपड्रैगन 8 Gen प्लस का प्रोसेसर मिलता है, 3.0 की कट पर क्लॉक है। यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हो। फोन जो है वो एंड्रॉयड 14 पर आएगा और यहाँ पर आपको लेटेस्ट UI मिलेगा, MI 14, और यहाँ पर आपको 3 ईयर्स के मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर आपको 6.7 इंच का बिग डिस्प्ले मिलता है, एमोलेड है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, 1 billion कलर का ऑप्शन है, HDR10+ सर्टिफाइड है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कलर्स काफ़ी बढ़िया मिलते हैं अगर आप YouTube, Netflix, Amazon Prime देखते हैं। 1300 nits की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी के लिए फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है। बात करते हैं बैटरी की। 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है और 210W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये स्मार्टफोन आता है 5G सपोर्ट के साथ। इसमें आपको नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है, नीचे की तरफ 3.5 ऑडियो जैक, डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट मिलता है और IP52 रेटेड है। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट की। तो 25 से 30 हज़ार रुपये इसका प्राइस होगा। लॉन्च डेट की बात करें तो नवंबर 2024 में स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी छेड़ने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।